चलिए शुरू हो जाइए। आज हम लोग क्लास 7 के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का एक चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने कितने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन कौन? न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये सब के वीडियो अवेलेबल है। फाइबर टू फैब्रिक्स, नेचुरल फाइबर्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी टाइम आ गया है कि अब हमें क्या पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है फिजिक्स का एक बेस्ट रिलेशन, दैट इज द हीट एंड टेम्परेचर। देन व्हाट इज द हीट एंड व्हाट द टेम्परेचर इज, पहला जो की टर्म आपको समझने की जरूरत है वो है कि ये हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो सबसे पहले मैं सिंपल बात बता दूं, एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एटम, ओके। व्हेन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। समझ में बात आ रही है? मैटर आया आसपास, मैटर किसका बना हुआ है? एटम का। बिना केमिस्ट्री फिजिक्स अलग है, ऐसा नहीं, फिजिक्स बिना केमिस्ट्री के अधूरा है और केमिस्ट्री बिना फिजिक्स के अधूरा है। मैथ इस दोनों के बिना अधूरा है, यानी इन सभी सब्जेक्ट्स को मिला के हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे आसपास क्या हुआ हमारे, जितने कुछ देख रहे हो आप क्या है? मैटर। चेयर बगल में दिख रहा हो, मैटर है। विंडो बगल में दिख रहा, मैटर है। आपके पापा सामने बैठे हुए वो भी मैटर है। आप खुद भी क्या हो? मैटर हो। ये जो बोर्ड देख रहे हो ये भी मैटर है और ये मैटर है। एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी इजिली विजिबल टू आवर आईज एंड दैट इंडिविजुअल पार्टिकल इनविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। पहले क्या आया? पहले आया आपके पास मैटर, मैटर के बाद क्या आया? एटम, और एटम्स के बाद क्या आया? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आ रहा समझ में? अब बात करते हैं, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। आपको नहीं पता चलता है लेकिन वो मोशन में है, आइदर फास्टली मूविंग और स्लो मूविंग। अब अगर मैं बात करूं इस सॉलिड मार्कर का, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है थोड़ा स्लो करते हैं एज कंपेयर टू द मिल्क दैट यू ड्रिंक, जो आप दूध पीते हो वो लिक्विड है, तो उसके मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। अब क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा कम स्पेस रहता है, लिक्विड में थोड़ा और स्पेस रहता है, तो स्पेस ज्यादा है तो मूवमेंट भी ज्यादा होगा भाई। तो गैस में, अब बोलोगे सर अभी बताओ नहीं, मेरे को पता चल गया कि गैस में तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। मॉलिक्यूल्स का टर्म दिमाग में आ रहा है? मॉलिक्यूल्स इज द की फैक्टर फॉर एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज अराउंड अस, एंड एनर्जी दैट वी ओनली फेल्ट, देख नहीं सकते भाई उसको, क्योंकि उसके पास ना तो मास होता है ना तो स्मेल होता है ना, होता ही नहीं है, वजन भी नहीं कर सकते उसको, तो कैसे चेकआउट करोगे? केवल फील कर सकते हैं। ठंडी में आप बोलते हो बहुत कम हीट सन का हमारे पास आता है, गर्मी में क्या बोलते हो? देयर इज स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। तो क्या फील हो सकता है लेकिन आंखों से दिख नहीं सकता है, ठीक है भाई? आंखों से दिख नहीं सकता और फील कर सकते हैं, फिर भी समझना है कि ये एनर्जी कहां से आया। समझाऊंगा मैं, आप मेरे साथ बने रहे आपको पक्का पता चल जाएगा। मॉलिक्यूल्स तक हम लोग पहुंच गए थे, मैटर, मैटर से एटम आया, एटम से क्या आया? मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन भाई। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी पार्टिकल्स मोशन में रहेगा, उसके पास जो मोशन के कारण एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड नथिंग बट द एनर्जी।
एंड दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. दो ही तरह की एनर्जी होती है सब मेन. आइदर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, आइदर मॉलिक्यूल्स मोशन में रहेगा. तो जब वो मोशन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और रेस्ट में होगा तो जल्दी बताओ पोटेंशियल एनर्जी होगा. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द रेस्ट. अब बात कर लो, हमारे आसपास सभी तो सब्सटेंस है ना, वो सब मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. तो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण ड्यू टू द मोशन ऑफ द मूवमेंट ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एवरी ऑब्जेक्ट हैड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी. क्या है वो? हीट एनर्जी. आपने कभी ऐसे किया, फ्रिक्शन किया, हाथ गर्म हो रहा है, कहाँ से आया हीट भाई? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जब आप रब करते हो तो आपके जो मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे वापस में रब करते हैं. रब करना मीन्स उसका मूवमेंट बढ़ गया, और जितना ज़्यादा मूवमेंट बढ़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में. अरे भाई एक बात और समझ में आ गया, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी कि हीट एनर्जी को भी हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, या तो हीट एनर्जी दूसरे फॉर्म से बदल के आया है. थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, नहीं घबराने की बात नहीं, मैं सिंपल बात बोला कि किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को भी आप हीट एनर्जी में बदल सकते हैं. ठीक है, जैसे अभी मैंने क्या बोला, मैंने यहां पे इसको रब किया तो ये हुआ मस्कुलर एनर्जी. अब मस्कुलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? मैंने क्या बोला, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, आपने बल्ब देखा है, बल्ब के अंदर कौन सा एनर्जी जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाता है, लेकिन जब वो लीट अप होता है तो बल्ब क्या हो जाता है? वार्म अप हो जाता है. तो क्या हो गया वहां पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया भाई? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? बैटरी आपने देखा है, बैटरी के अंदर केमिकल्स भरा रहता है तो वो कौन सा एनर्जी हो गया? केमिकल एनर्जी हो गया. अब वो केमिकल एनर्जी को जो ही आप बल्ब में सप्लाई करते हो तो बल्ब उसको किसमें बदल लेता है? हीट और लाइट एनर्जी में. तो भाई चेंज हो रहा है ना, एनर्जी होता है ना चेंज, भाई चेंज करके हीट एनर्जी भी ला सकते हैं ना. तो सबसे पहली बात जान लेना, द एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मैटर इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी. क्या बोलते हैं उसको? थर्मल एनर्जी. तो रियली में एनर्जी वर्ड के बजाय हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं? नॉट एनर्जी, दैट इज द थर्मल एनर्जी. दैट क्लियर द कंसेप्ट, द एनर्जी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस. दैट्स क्लियर. लिखने के लिए आपके पास ढेर सारा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, बट बात ध्यान से सुनना. ठीक है, अभी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी पता चल गया, नॉट एनर्जी, दैट इज थर्मल एनर्जी. क्या? थर्मल एनर्जी, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट मूव इनसाइड द मैटर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अभी अपने पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? अब एक बात बता दो, सन के अंदर यानी सन खुद बना हुआ गैस का, हाइड्रोजन गैस का बना होता है, और हाइड्रोजन गैस सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स का होता है. हाइड्रोजन गैस के जो एटम होते हैं बहुत छोटे होते, चूंकि हमने हाइड्रोजन गैस बोला इसलिए मॉलिक्यूल्स बोला. और वो हाइड्रोजन से ये दो हाइड्रोजन जब चिपक जाता है ना, जब दो हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाता है तो बनता है हीलियम. अब ये जो ज्वाइन करने पर जो मॉलिक्यूल्स बना, दैट ज्वाइनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म द हीलियम प्रोड्यूस द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड दैट हीट रीचेस टू अस. अभी मन में बात आ रहा होगा, सर लेके कौन आता है हीट? वेट करो, वीडियोस आफ्टर वीडियोस यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन. बार बार आपको आगे भी वीडियो मिलेगी, ये फर्स्ट पार्ट होगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अब वन बाई वन वीडियोज में समझ में आ जाएगा. मैं ये भी बताऊंगा आखिर सन का हीट
किस कारण से प्रोड्यूस होता था? ड्यू टू द एडिशन ऑफ द टू हाइड्रोजन एटम दैट फॉर्म द हीलियम। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए। फ्यूज मतलब जुड़ना होता है, याद रखना, फ्यूज मतलब जुड़ना है ना, फ्यूज हो जाना मतलब एक को दूसरे में मिक्स हो जाना। तो भाई समझ में आ गया, सन इज द सोर्स ऑफ मेन एनर्जी, थर्मल एनर्जी। क्या बोलना है? थर्मल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये सब किसके मूवमेंट के कारण होता है भाई? मॉलिक्यूल्स। तो थर्मल एनर्जी क्या हो गया? एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। नाउ द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सन मैंने बताया, फ्रिक्शन भी बताया, बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल। उसके बाद आप, अरे तो घर में मम्मी एलपीजी गैस में बर्नर में, और बर्नर को जो ही लिट अप करती है तो एलपीजी बर्न करता है, बर्न करने से क्या निकलता है? हीट। पेपर को जलाते हो हीट निकलता है कि नहीं निकलता है? तो फ्यूल है ना भाई, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग इज कॉल्ड फ्यूल। डेफिनेशन रख लिख लेना, व्हाट इज फ्यूल? अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग इज कॉल्ड फ्यूल। अब जरा फटाफट देख लो, वॉल्केनिक इरप्शन भी सुना होगा आपने, जब अंदर का, अर्थ के अंदर का जो मैग्मा होता है ना, तो बहुत गर्म होता है, बहुत हीट अप करने के बाद प्रेशर ही करवट प्राक से बाहर निकल जाता है, ढेर सारा हीट निकलता है उस केस में, वो भी एक सोर्स ऑफ हीट है। एक्सप्लोजन ब्लास्ट कर देखो, पटाखा जब फूटता है ढेर सारा हीट प्रोड्यूस होता है। अक्सर बी केयरफुल व्हेन यू, बात समझ में आ गया ना, जब आप पटाखा जलाते हो तो केयरफुल रहने का, दीपावली जब आएगा तो ध्यान से जलाना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट देख लेते हैं, पता तो चली गया भाई हीट क्या है, ना शेप है, ना मास है, ना ऑर्डर है, ना वॉल्यूम है, ना वेट है, मतलब दिख नहीं सकता वो कौन सा फॉर्म है, इनविजिबल फॉर्म है। केवल हम उसको क्या कर सकते हैं भाई, केवल हम उसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। किसके द्वारा? उसके इफेक्ट के द्वारा। क्या करेगा इफेक्ट भाई? देखेंगे भाई हीट क्या करेगा। हीट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। गर्म करोगे किसी का तो क्या हो जाएगा? शेप एंड साइज बदल जाएगा। हीट ब्रिंग द शेप एंड साइज चेंज, है ना। दूसरा, हीट कैन क्रिएट केमिकल चेंज। कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। याद है मम्मी जब खाना बनाती है ना, तो फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। क्या है ये? केमिकल रिएक्शन। मिल्क कर्ड में चेंज होता है ना, देखो को मम्मी बोलती है कि कर्ड बनाने से पहले मिल्क को हीट करना जरूरी है, स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट करना, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। आया ना हीट की बात? चलो दो इफेक्ट मैंने बता दिया है, क्या? हीट कैन चेंज द शेप एंड साइज, हीट कैन ब्रिंग द केमिकल चेंज इन सब्सटेंस। एक और बताएं, हीट कैन एक्सपेंड, हीट कॉजेज एक्सपेंशन। नहीं समझ में आ रहा? आप लोहे को हीट करते हो तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? एक्सपेंड करना शुरू होता है, नहीं करता है तो हथौड़े लेके मार के करवाते हैं, लेकिन करवाते जरूर है, तो बिना हीटिंग का नहीं होगा ना। हीट कॉजेज चेंज इन शेप एंड साइज, हीट ब्रिंग्स केमिकल चेंज, थर्ड हीट कॉजेज एक्सपेंशन। लास्ट भी बताए, एक और बताना चाह रहे, हीट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर, हीट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर। चार हो गए, कमेंट बॉक्स में लिखना क्या होता है चार, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द हीट, चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन टेम्परेचर, ब्रिंग द केमिकल चेंज, ब्रिंग एक्सपेंशन टू मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं उसको एक्सपेंड कर देता है, आयरन को एक्सपेंड कर देता है ना, छोटा सा जो बल्क होता है ना गोल्ड को एक्सपेंड करके उसको बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीट समझ में आ गया। अब देख लो, हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट का फ्लो तभी होता है जब एक का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एक का टेम्परेचर कम। मन में आ रहा होगा सर अभी तक आपने तो टेम्परेचर बताया ही नहीं, बता रहा हूँ भाई, टेम्परेचर इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट पोजेज बाय द बॉडी।
जिस ऑब्जेक्ट में जितना हीट एनर्जी रहेगा ना, उसी के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर बोलते हैं। तो सिंपल बात क्या, हाउ हॉट और कोल्ड ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। अब जो ज्यादा हीट है ना उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो कम हीटअप है उसका कम होगा। अगर मान के चलो आप क्या करते हो, एक लीटर वाटर को 5 मिनट तक गर्म करते हो और दूसरे एक लीटर वाटर को 10 मिनट तक गर्म करते हो, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा भाई? सेकंड वाले का, क्योंकि उसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है। देन व्हाट द टेम्परेचर इज, टेम्परेचर इज द हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ अ बॉडी। द मेजर ऑफ द hotness and coolness of the body is called its temperature, and if there is change difference in temperature then heat flow from higher temperature to the lower temperature, yani jis part mein zyada temperature rahega usse us part mein chala jayega jahan pe kam temperature hai. Yaad aaya, when you take your hand into the hot water you feel very hot, why? Because your hand is at lower temperature, water is at higher temperature. When you put the hand into the hot water, the energy from the hot water just transfer to your hand and you feel very hot. So be careful, never touch the hot object, because hot object transfer the energy to your body. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? अगर बहुत अच्छा लग जाए तो लाइक भी करना और शेयर भी करना, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट वाला वीडियो खटाक से आपके पास मिल सके, एक मैसेज आ जाएगा भाई नया वीडियो आ चुका है, ठीक है ना? तो क्या बताया मैंने, थर्मल एनर्जी कन्फर्म हो गया, हीट, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी मैंने बताया कौन सा, मस्कुलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमेंट बॉक्स में ठोक डालो भाई फटाफट, अगर आपको पता है एनर्जी का फॉर्म क्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं पता है तो मेरी बात सुन के भी लिखो, लेकिन लिखो जरूर। आज हम लोग हीट का पूरा कन्फर्मेशन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में टेम्परेचर पढ़ेंगे। याद रहेगा आज क्या पढ़ रहे हम लोग, व्हाट इज हीट, छोटा सा टॉपिक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। आई बात समझ में, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझ में आ गया? कौन सा एनर्जी, थर्मल एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। कहाँ ट्रांसफर होगा, हॉट टू कोल्ड की ओर, कोल्ड से हॉट का नहीं ट्रांसफर होगा, हॉट से कोल्ड का ट्रांसफर होगा। और क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।